नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चीन पाक आर्थिक गलियारे पर भारत के विरोध को रूस ने किया नजरअंदाज। रूस ने पाकिस्तान का किया समर्थन, कहा इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान में जिन्ना के मकबरे मजार एकायत पर लगा चीन का नया झूमर। पाक राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने झूमर को दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक बताया। 46 साल पहले चीन ने पाक को दिया था यह झूमर। जॉर्डन के शहर कराक में गोलीबारी, पुलिस और कुछ बंदूकधारियों के बीच चली गोलियां, 15 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा जख्मी। अफगानिस्तान के फरहा प्रांत में बस दुर्घटनाग्रस्त, 14 लोगों की मौत, 41 से ज्यादा घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की नौका में सवार 8 लोगों को समुद्र में डूबने से बचाया, वापस उन्हें स्वदेश भेजा, सरकार के प्रवक्ता जियोंग जून ने की पुष्टि। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मलकम टर्नबुल ने स्वतंत्र संघीय शासन व्यवस्था पर उठाई आवाज, कहा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बाद उनका देश नहीं रहना चाहता है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा। टर्नबुल रोडमैप के जरिए कायम करना चाहते हैं सरपरस्ती। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ